द्वारा जीती गई ये पॉलिटिकल पार्टियां जिस दिन ये जीतती हैं उसके दूसरे दिन से ही अकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाती हैं, और फिर जो है हम गुलामियत के अंश खोजते हैं, हमें लज्जा आना चाहिए। सही बात है, आना चाहिए लज्जा कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए, हम जो है गौरव संविधान जी के रसिया जा रहे संविधान हैं। ऐसा हेलो ऐसा कहना था उनका कि वो हेलो, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ तो आपको। मालूम है टेक्निकल हेलो इशू है हाँ, या मैं आपको देशद्रोही सुन पा रहा हूँ। राजनेताओं का इशू हेलो है मुझे नहीं मालूम मैं है, आपको क्योंकि दोबारा लगाता हूँ। हेलो ये देशद्रोही राजनेताओं का क्रिएशन भी हो सकता है। जब जो है इंद्र भगवान का सिंहासन हिलता है तो इस तरीके की घटिया हरकतें होना चालू हो जाती है नहीं ना? नहीं इस बात से आप सहमत है क्या? बिल्कुल ऐसा हो जाता है कई बार, नहीं? नहीं नहीं, टेक्निकल इश्यू, ये बात करने में जियो जब से आया है पहले तो नहीं होता था, अब ये मैक्सिमम कॉल में बीच बीच में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है कि वॉइस डंप हो जाती है। चलिए, यदि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो साधारण इशू है, लेकिन यदि ये इंद्र भगवान के सिंहासन हिलने का इशू है तो ज्यादा प्रसन्नता का विषय है। आप इस बात से मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं बिल्कुल, अभी तो इंद्र हाँ, भगवान का सिंहासन स्थायी हो गया है लग रहा है। अरे नहीं, स्थाई है ये इंद्र भगवान, तो कोई तपस्या में बैठता है उनका सिंहासन डोलने लग जाता है, ये तो बहुत ही डरे हुए प्राणी हैं। आप ये बताइए, अपन को यही पढ़ाया गया कि कोई ऋषि थोड़े दिन दो दिन के लिए भी तपस्या में बैठ गया तो वो अपनी अप्सराओं को भेज के जो है उसको उसका तपस्या को भंग कराते थे, यही तो चरित्र है। ये तो वेदों में लिखा हुआ है, ये तो उसमें लिखा हुआ है, ये तो देवताओं का चरित्र है, तो मानवों का चरित्र इससे घटिया ही होगा ना? है? और वो भी नॉट केवल देवता, देवताओं के राजा इंद्र का यदि ये चरित्र है तो आज के मानव का चरित्र यदि इससे घटिया है तो क्षम्य है कि नहीं है? आपका क्या कहना है? हम और आपने यही पढ़ा है ना सभी कहानियों में किस्सों में, नहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा? दोनों चीजें हैं, इंसान घटिया भी बताया गया, इंसान अच्छा भी बताया नहीं, गया, मैं इंसान की कर्म नहीं बात का। कर रहा हूं, अभी तो इंद्र की बात कर रहा हूं कि जैसे कोई हाँ तपस्या में बैठता था, इंद्र अपनी अप्सराएं भेज के उसकी तपस्या भंग कराते थे, जबकि वो देवताओं के राजा थे, तो जब देवताओं के राजाओं का चरित्र ये है तो यदि मानव सुलभ गद्दी पर बैठा हुआ है और ऐसी थोड़ी बहुत हरकत कर भी दे तो मुझे लगता है वो